कोविड पेशेंट हैं, इनका सेचुरेशन फॉल कर चुका था 60। बड़ी मुश्किल से ये ऑक्सीजन हाई फ्लो पर 85 मेंटेन कर पा रहे थे। हम लोगों ने जो हमारी रिसर्च की हुई मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, उसको यूज किया है और अभी इनका सेचुरेशन 99 तक आ गया है। एक बार तो लग रहा था कि आराम नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 20 मिनट के अंदर इनको आराम आ गया है और अब इनका सेचुरेशन बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है और पेशेंट भी कंफर्टेबल हो गया है। महामारी के दौर में वायरस की चपेट में आने वाले लोगों को अस्पतालों में बेड भी खाली नहीं मिल रहे हैं। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे अस्पताल के चक्कर काटने के बाद महामारी से ग्रसित मरीज दम तोड़ रहे हैं। स्थिति भयावह है, लेकिन इस मरीज की किस्मत अच्छी थी कि समय रहते इन्हें नेमीनाथ होम्योपैथी अस्पताल लाया गया। इस महामारी से लड़ने के लिए नेमीनाथ अस्पताल अपने 300 से ज्यादा बेड के साथ तैयार है और जरूरत पड़ने पर बेड्स की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। आज इस महामारी को मात देने में लगे नेमीनाथ अस्पताल की ख्याति पूरे विश्व में गूंज रही है, क्योंकि नेमीनाथ अपनी होम्योपैथी पद्धति से देश ही नहीं विदेशों में भी इलाज मुहैया करा रहे हैं। केवल फोन के माध्यम से ही दूर बैठे कोविड मरीजों को देख रहे हैं। स्लीपलेस इज नॉट अ प्रॉब्लम, टू टेक दिस मेडिसिन यू विल बिकम ऑलराइट। यस। और अपनी खास वायरस से लड़ने वाली दवाओं को मरीजों तक पहुंचा भी रहे हैं। नेमीनाथ अपनी दवाइयों से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी प्रस्तुत करता है, जहां उनके देश और विदेश में कितने पेशेंट आए और कितने ठीक हुए उसका डेटा मौजूद है। ये सुखद आश्चर्य है कि यहाँ कोविड पेशेंट का रिकवरी रेट 95% है। बीते वर्ष जब इस महामारी ने दस्तक दी तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक अनजान वायरस ने लाखों लोगों की जान लेना शुरू कर दिया था। वायरस का ठीक ठीक पता लगाने में जुटे डॉक्टर्स मायूस थे और वायरस जनित बीमारी के लक्षण भी बार बार बदल रहे थे। ऐसे में डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने होम्योपैथ की मदद से इस पर अनुसंधान करने का इरादा किया। उनकी टीम भी उनके साथ आगे आई और जल्द ही भारत के आयुष मंत्रालय ने भी उनके अनुसंधान को मंजूरी दे दी। और होम्योपैथ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सदी की सबसे बड़ी बीमारी जिसने महामारी का रुख पहले ही अख्तियार कर लिया है, उसका तोड़ केवल होम्योपैथ में मौजूद है। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता अपने द्वारा अनुसंधान और प्रशिक्षण की गई होम्योपैथी दवा से मरीजों को इस भयंकर महामारी से बचा रहे हैं। सुनीता अब कल से बेहतर दिख रही है। कल शाम को जब सुनीता को यहाँ लाया गया था तब ऑक्सीजन लेवल कम था, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, लेकिन आज सुनीता सहज है और आराम महसूस कर रही है। अभी ये एकदम ठीक है, कल या परसों में इनका डिस्चार्ज हो जाएगा। एकदम अच्छी हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, चल रही हैं, बुखार नहीं है, खांसी भी नहीं है। शी इज क्वाइट हैप्पी एंड हेल्दी। नेमीनाथ अस्पताल एक होम्योपैथी अस्पताल है, जहां हर गंभीर बीमारी का इलाज होम्योपैथी पद्धति से किया जाता है। यहां अलग अलग राज्यों और शहरों से मरीज इलाज लेने आते हैं। ये हरीश बत्रा जी हैं
और कई सालों से होम्योपैथी अस्पताल से डायबिटीज का इलाज ले रहे हैं, लेकिन इन्हें भी महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया। मुझे पिछले 25 साल से डायबिटीज है, इसका इलाज मैं चल रहा था और 2 साल पहले मुझे किडनी प्रॉब्लम हुआ जिससे मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया। फिर मैंने ये होम्योपैथिक किया नैमीनाथ से, तो 2 साल से मेरा यहीं से इलाज चल रहा है, तो अब काफ़ी फर्क है। जो मेरा क्रिएटिनिन 3-3.5 पे जा रहा था, अब 2 पे आ गया। पिछले हफ्ते मुझे कोविड हो गया तो सीधा मैं यहीं आया, 4 दिन में मेरा कोविड ठीक हो गया। कई अस्पतालों के चक्कर काट कर थक चुके लोग नैमीनाथ होम्योपैथी अस्पताल आते ही राहत महसूस करते हैं। इसकी वजह केवल होम्योपैथ की कारगर पद्धति नहीं है, यहाँ का दोस्ताना माहौल भी बीमारियों से घिरे लोगों को जल्द ठीक करने में मददगार है। यहाँ आम अस्पतालों की तरह कोई फाइल चार्ज व अन्य कोई चार्ज नहीं वसूला जाता और रजिस्ट्रेशन कार्ड की फीस भी मात्र 50 रुपए है। ओपीडी में मरीज की काउंसलिंग के दौरान सभी आयामों पर पूछताछ की जाती है, जैसे उनका रहन सहन, खान पान, पुश्तैनी बीमारी और भी कई वजहों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। और होम्योपैथ का सिद्धांत कहता है कि कोई भी बीमारी की जड़ हमारे अंदर चल रही मानसिक हलचल की ही देन है। डिजीज़ का ओरिजिन जो होता है, अनलेस एंड अंटिल हमारी बॉडी जो है वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होती है या फिजिकल लेवल पे डिजीज़ का जो अफेक्शन होता है वो जब भी आता है व्हेन देयर इज एन सम एक्साइटिंग कॉज। हमारा ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टो सिमिलरिटी के बेस पे होता है, जो कि मतलब कोई भी डिजीज़ कोई भी पेशेंट अगर लेके आता है तो सबसे पहले हम उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिलाते हैं, डिजीज़ कोई भी सही उसके अकॉर्डिंग वो ही जो सिम्टम्स दूसरी मेडिसिन में मैच करते हैं वही मेडिसिन हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। आपकी जांच परख प्रशिक्षित डॉक्टर्स द्वारा की जाती है जिससे रोग की जड़ का पता लगे और रोग मिटाया जा सके। बेसिकली जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो साइन और सिम्टम के अकॉर्डिंग वर्क करती है, ऐसा नहीं है। डायग्नोसिस हम पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री लेंगे, केस हिस्ट्री लेने के बाद उसकी पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसके साथ साथ उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो होगी वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई क्रॉनिक केस है, लॉन्ग टाइम से कोई डिजीज़ से सफ़र करता आ रहा है और उसके लिए हमें क्या इम्पॉर्टेंट है, उसका मेंटल जर्नल लेना कि उसके अंदर वो बीमारी आई कैसे। नैमीनाथ में गंभीर रोगों का इलाज भी मामूली खर्चे पर संभव है, ये हमने तब जाना जब यहाँ भर्ती मरीजों से हमने बातचीत की। कोविड की दहशत ने इतना डरा दिया था कि कुछ मत पूछो, लेकिन हमें ये था कि अगर किसी वजह से हमें हो जाता है हमने इधर उधर कहीं नहीं भटकना, सीधे नैमीनाथ हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि हमको नैमीनाथ हॉस्पिटल से इतना विश्वास है कि ऐसे लगता है कि बस हमारे लिए तो ये भगवान का रूप है। और हमको जाते ही उनकी शक्ल, डॉक्टर साहब की शक्ल देखते ही हमें ऐसे लगता है हम ठीक हो जाएंगे। अभी जो बहुत कॉमन हो गई है डायबिटीज़, स्पाइनल डिजनरेशन, रूमेटिक आर्थराइटिस, जिनका कि लोग बोलते हैं इलाज नहीं है और जिनका इलाज बहुत महंगा होता है, लाखों में आता है बिल, वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस में पेशेंट यहाँ से ठीक होके एकदम खुश होके जाता है। डायबिटीज़ में इंसुलिन लगाना भी बंद हो जाता है, ना इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है। रूमेटिक आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं लोग कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, बट ऐसा नहीं है। होम्योपैथी के द्वारा नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। बस समझना इतना ज़रूरी है कि क्या पेशेंट है, उसकी बीमारी क्यों आई और उसके लिए क्या इलाज देना है। जटिल बीमारियों जैसे कैंसर, टीबी और पैरालिसिस के मरीज भी यहाँ भर्ती हैं। मेरा एक हाथ और एक पैर नहीं उठ रहा था मेरा, गुनगुन भी डॉक्टर ने पहले से बोल दिया था कि तुम्हारे दिल में बाल डलेंगे 2। मैं जयपुर हो आया, दिल्ली हो आया, सब तरफ हो आया। जब लोगों ने यहाँ पे बताया मेरे को और मैंने बहुत टाइम कर लिया, अब आया हूँ तो मैं एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे सामने जैसा भी हूँ बिल्कुल फिट हूँ। तुम्हारे सामने पीछे भी कला खा सकता हूँ, आगे भी कला खा सकता हूँ मैं। ये भगवान दास है, इन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था, तुरंत इन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती पहले दिनों में तो इन्हें कोई असर नहीं दिखाई दिया, मगर धीरे धीरे
हफ्ते भर में दवाई ने अपना असर दिखाया और भगवान दास की सेहत में सुधार होने लगा। ये हाथ मेरे पैर बिल्कुल हिलते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं हिलते। मुझे पेशाब भी गेट में भर के कराता था, ठीक है ना। खाना भी मुझे दूसरा आदमी खिलाते था। जब उन्होंने अपना एडमिट शुरू किया, मुझे इलाज शुरू किया, तो उसके 8-10 दिन बाद ही 15 दिन बाद भी मेरा मुझे फर्क पड़ना शुरू हो गया। भगवान दास अब चल फिर भी सकते हैं। और जो डॉक्टर साहब हैं प्रदीप गुप्ता जी, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत होशियार हैं, उनके हाथ में बहुत तेजस्व है। मेरे आने के बाद मैंने कई आदमी भेजे हैं, 10-5 आदमी भेजे मैंने अपने जैसे ही, वो सब ठीक हो गए हैं वहाँ से। यहाँ कई क्रिटिकल बीमारियों के मरीज भर्ती हैं, जिन्हें हर वक्त मॉनिटर करते रहने की जरूरत है, जैसे कैंसर, पैरालिसिस और कार्डियक पेशेंट और कोविड के मरीज भी। रात का 1:30 बजा है, नाइट स्टाफ ड्यूटी पर है। रात को किसी भी मरीज को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इन्हें अलर्ट भी रहना होगा। सुबह 7 बजते ही ये शिफ्ट चेंज हो जाएगी और अगला स्टाफ ड्यूटी पर होगा। किचन स्टाफ सुबह नाश्ते की तैयारी कर रहा है। ताकि यहाँ भर्ती मरीज और तीमारदार पौष्टिक भोजन ग्रहण कर सके। दवाई के साथ साथ घर का पौष्टिक खाना मरीज को जल्द ठीक करने के लिए बेहद जरूरी है। नेमिनाथ अस्पताल में रोज कई अलग अलग राज्यों, शहरों और कस्बों से मरीज आते हैं, जिनके लिए ये घर जैसा खाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ तीमारदारों को भी बाहर से कुपोषित खाना खाने की जरूरत नहीं है। नेमिनाथ लोगों को सस्ती दवाई तो बोलने से मेरे को जो टर्म पसंद है वो है अफोर्डेबल, बिकॉज आई डोंट वांट पेशेंट्स टू गेट ओवरबर्डन्ड विद द हेल्थ केयर दैट दे वांट टू गेट। जस्ट जो बेसिक हेल्थ केयर भी अब है वो इट्स गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे। तो हम चाहते हैं नेमिनाथ में जो भी कोई भी पर्सन है जो अपने हेल्थ का देखना चाहता है, अपनी डिजीज से फ्री होना चाहता है, वो एक तरह से अफोर्ड कर सके। एक अफोर्डेबल मेडिसिन, एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम हम बनाना चाहते हैं। ये तमाम बातें इसे एक संपूर्ण अस्पताल में स्थापित करती हैं और नेमिनाथ देश का पहला NABH होम्योपैथी अस्पताल है। ये एक 300 बेड वाला होम्योपैथी अस्पताल है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जहां यहां के 300 बेड भी खचाखच भरे थे। तब यहां के प्राध्यापक ने अपनी टीम की एक बैठक बुलवाई, जिसमें इस समस्या का समाधान ये निकाला गया कि नेमिनाथ की इस आयुर्वेदिक इमारत को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया जाए। 900 हो गए, 900 और कुछ डिपार्टमेंट मिला के हम लोग 1000 बेड कर पाएंगे, ठीक है, कर सकते हैं इजीली। तो जितने स्टूडेंट हैं उनको सबको मेल कर दो, फोन कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, जिससे कि कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है, जिससे महामारी से ग्रसित ज्यादा से ज्यादा मरीज भर्ती किए जा सके। हमारा केवल एक सोच है, हम एलोपैथी के खिलाफ नहीं, हम आयुर्वेदिक, हम किसी पद्धति के खिलाफ नहीं, पर जो इलाज भरोसेमंद, स्थायी, तुरंत असर करे और जिसमें मरीज का भरोसा बने और पैसा भी ना बहुत कम लगे, तो ऐसा इलाज यदि यहाँ इस हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों को मिल सकता है और डॉक्टर साहब जैसे
एक सर्द है लोग यदि जब उसमें जब काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये आगरा का एक मील का पत्थर आने वाले वर्षों में ये बनेगा। नेमिनाथ अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर प्रदीप गुप्ता न केवल नेमिनाथ अस्पताल के संस्थापक हैं, बल्कि वो यहाँ के प्राचार्य के रूप में कार्यरत भी हैं। साथ ही साथ मरीजों को सही इलाज कम खर्च में मुहैया कराने को मुस्तैद भी। आज सुनीता को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। ये उसका अस्पताल में पांचवा दिन है। उसका बुखार उतर चुका है, ऑक्सीजन सामान्य है और सैचुरेशन भी ठीक ठाक है। वो पहले से बेहतर महसूस कर रही है और घर जाने को तैयार है। उसने गजब की इच्छा शक्ति दिखाई और सदी की सबसे बड़ी बीमारी को मात दी। इसके लिए वो नेमिनाथ अस्पताल का धन्यवाद करती है।